नमस्कार आपको सभी को। फाइनली कल 30 तारीख थी और शाम 5 बजे ही एग्जिट पोल आना चालू हो गए थे 5 राज्यों के, जिसमें से खास तौर से मध्य प्रदेश की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं और युवाओं को इससे क्या दिक्कत होगी, खास तौर से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके 3 बड़े मुद्दे हैं। एक, पटवारी भर्ती का क्या होगा, दूसरा जो रिजल्ट पेंडिंग है उनका क्या होगा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। हम दोनों सरकारों पर एनालिसिस करेंगे कि यदि बीजेपी बनती है तो क्या क्या होने वाला है और यदि कांग्रेस आने वाली है तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पटवारी भर्ती पर आते हैं, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यदि बीजेपी आती है तो अनडाउटली ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और संभावना है कि जिन्होंने गलत किया है उन पर भी कार्रवाई हो सकती है बीजेपी सरकार के आने से। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो निश्चित रूप से चूंकि कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि बीजेपी की गलतियां ज़्यादा हों तो वो इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल ही करेगी, क्योंकि उसका फायदा रहेगा अगर वो भर्ती प्रक्रिया की जांच करती है या उसमें भर्ती देती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बीजेपी की ही आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्लियर है? तो उसका जो कांग्रेस का फायदा है वो इसमें है कि वो भर्ती प्रक्रिया को टोटल कैंसिल कर देगा और ना जांच कराएगा, वो सीधा सीधा ये कहेगा कि हम आपको नए सिरे से भर्ती देंगे। निश्चित रूप से पटवारी भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, यही शब्द होंगे अगर सीएम कमलनाथ बनते हैं तो उनके ट्विटर हैंडल से यही आने वाला है। तो सीधी सी बात यह है, कांग्रेस पूरा कोशिश करेगी कि वो बताएगी कि उस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत ज़्यादा ये हुआ था, वो सरकार इस तरह से थी, इस वजह से ये दोनों चीज़ें तय हैं। यदि कांग्रेस आती है तो भर्ती प्रक्रिया कैंसिल होगी और बीजेपी आती है तो पटवारी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। अब आते हैं रिजल्ट पर। बीजेपी जैसे ही आती है रिजल्ट अपने कंटिन्यू रहेंगे और कांग्रेस अगर आती है तो भी रिजल्ट जो है, जो भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट हैं वो जारी होंगे। यदि कांग्रेस रिजल्ट जारी करती है और इसी तरह का हंगामा जैसे पटवारी में हुआ था उसी तरह का हंगामा यदि पुलिस आरक्षक भर्ती में या फॉरेस्ट का जो रिजल्ट नहीं आया उसमें होता है तो कांग्रेस उस भर्ती प्रक्रिया को भी कैंसिल कर सकती है, ये कह के कि बीजेपी के समय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था इस वजह से हम इस भर्ती प्रक्रिया को भी कैंसिल कर रहे हैं और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया करा रहे हैं। ले रहे? अब आते हैं नई भर्तियों पर। क्या नई भर्ती बीजेपी कांग्रेस के बनने से कुछ फर्क पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से अगर नई सरकार बनती है कांग्रेस सरकार तो नई भर्ती आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अनडाउटली जो सबसे ज़्यादा युवा खपा है और युवाओं का प्रतिशत भी, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट दिया है, 90% तक युवाओं ने जो है वोट दिया है, इस बार वोट देने गए हैं, वोटर आईडी बनवाई है लास्ट के दिनों में। तो ऐसे में यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो वो आनन फानन में भर्ती प्रक्रिया लाएगी, जबकि बीजेपी को ये पता है कि जो चुनाव के समय ज़्यादा भर्ती अभी वैसे भी नेशनल की निकल ही रही है तो बीजेपी आराम से भर्ती निकालेगी, हो सकता है उसके लिए आंदोलन भी करना पड़े। कांग्रेस जो है थोड़ा सा जल्दी से निकालेगी, अभी खास तौर से 1-2 साल तो जल्दी निकालेगी ताकि एक मैसेज जाए कि वो युवाओं के साथ है और बाकी जो दे, क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी बहुत कुछ जीतना बाकी है, बीजेपी बहुत सारी कुछ जीत चुकी है, तो कांग्रेस जो है नई भर्ती प्रक्रिया पर ज़्यादा फोकस करेगी आते ही साथ अगर हम कंपेयर करें बीजेपी के। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, बीजेपी आती है तो क्या बड़े चेंजेस होंगे और कांग्रेस आती है तो क्या बड़े चेंजेस होंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।